अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। का नहीं है प्रश्न, जो वादे हमने किए थे जनता को वो पूरे किए। राम मंदिर का कानून बनाना बहुमत आने के बाद बनाया, कश्मीर के हिंदुओं को बसाया, पाकिस्तान को 56 इंच की छाती दिखाना करके दिखाया, आतंकवादियों को ठिकाने लगाना किया, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को कर्ज मुक्ति किया, पेट्रोल के दाम सस्ते किए, डॉलर के सामने रुपया मजबूत किया। मेरे भाइयों, यह तो वादा खिलाफी है, और सबके साथ राम के साथ भी चुनावी जुमला, बस यही चिंता का विषय है। छोड़ो सेक्युलर भी नहीं, छोड़ो हिंदू भी नहीं, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदुओं की ही सरकार तीसरा विकल्प। ये हिंदुओं की ही सरकार तो बनी है, इस बार तो जनता ने इसी आधार पर जो राम मंदिर नहीं बनाएंगे उसको हिंदुओं की सरकार कहां से करेंगे? या तो रमजान के महीने में आतंकवादियों को गोली न लगे उसकी चिंता करने लगे, उसको हिंदुओं की सरकार कैसे कहेंगे? उनके नजरों में गौरक्षक गुंडे हो गए, उनको हिंदुओं की सरकार कैसे कहेंगे? या तो विदेशों में मस्जिद में घूम रहे हैं और अयोध्या राम मंदिर के दर्शन नहीं करे, उसको हिंदुओं की सरकार कैसे कहेंगे? सत्ता में आने के बाद लगता है सत्ता का नशा ऐसे ही बना देता है, लगता है कि राम के साथ भी जुमलाबाजी की, हिंदुओं के साथ भी जुमलाबाजी की। अच्छा, ये आप खुद एक आपने संगठन अपना तैयार कर लिया है, क्या उसकी योजना और आगे सरकार के खिलाफ भी आप? हमने लाखों गांवों में फैले हुए लाखों हिंदू साथियों की मदद से अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाया है, जो हिंदुओं के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ेगा, जो गुणवत्ता युक्त सस्ती शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, कर्ज मुक्त किसान के लिए, किसानों के लिए, और रोजगार की सुरक्षा के लिए मजदूरों के साथ लड़ेगा। साथ में यह देश में हिंदू मांग पत्र पर 20 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करके 20 करोड़ की हिंदू वोट बैंक बनाकर यह देश में हिंदू राजनीति स्थापित करवाएगा। अच्छा, मंदिर के लिए आपने अल्टीमेटम दिया है, आप कई जगह का, कितना समय आप दे रहे हैं? संसद में कानून से मंदिर बनाने की बात थी, सरकार ने कानून नहीं बनाया, क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई को शायद विदेश घूमने में समय नहीं मिल रहा होगा, तो हमने ही सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की मदद से कानून बनाया है, हस्ताक्षर लगे, और 4 महीनों में सरकार ने नहीं किया तो फिर अयोध्या कुछ होगी? देश के गांव गांव में हिंदू खड़ा होकर हिंदू मांग पत्र की मांग स्वीकार करने का दबाव बनाएगा, और फिर भी नहीं कहते हैं तो अगली बार फिर हिंदुओं की सरकार। इलाहाबाद में बेहतरीन क्वालिटी के इटालियन और इंडियन मार्बल और ग्रेनाइट के लिए जाएं सप्तऋषि स्टोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सफरू रोड, लोक सेवा आयोग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद।